students, welcome to Patwaikar tutorial. Today's topic is Fleming rule and electric DC motor. This topic is included in the standard 10 science chapter 4 effects of electric current. Now electric motor appliances. You must have seen electric motor appliances like fan, washing machine, mixer, juicer, grinder. Okay. These are all some of the electric motor appliances. Okay, where we switch on the current and automatically they start running. So how it is possible? This is possible because of electric motor. Motor makes sure that they keep on making the mechanical force, they keep on rotating, hai na? Sab kuch rotate hota hai, fan rotate hota hai, washing machine rotate hoti hai, mixer rotate hota hai na? To ye sab rotating kaam kiska hai? Electric motor ka. To aaj hum log isi electric motor ko dekhne jayenge. So what is the working of electric motor? Okay, but before that let us understand what is magnetic effect of electric current. This is just a revision. हम लोगों ने क्या किया, एक सर्किट बनाए, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है. यहाँ पे प्लस माइनस मतलब बैटरी है और यहाँ पर इसकी प्लग की है. तो क्या हुआ, जब हम लोगों ने इसमें करंट चालू करे, यहाँ पर सेल जो है, तो करंट कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है. ओके, जब इस डायरेक्शन में करंट है और जैसे हम लोगों ने बीच में मैग्नेटिक नीडल रखे, तो क्या हुई, मैग्नेटिक नीडल फ्लक्चुएट करती है. दैट मीन्स अब मैग्नेटिक नीडल फ्लक्चुएट क्यों करे, क्योंकि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देर इज अ मैग्नेटिक इफेक्ट. ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, जिसके वजह से हमारी सुई मूव करते हुए दिखी. ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया. ठीक है, तो क्या हुआ, देखता है कि हमारी मैग्नेटिक नीडल भी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है. ना नेक्स्ट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. वॉट इज योर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? According to this rule, the left hand thumb index finger, the left hand thumb index finger and the middle finger are stretched so as to perpendicular to each other. मतलब हमको इसको इस तरह से ऐसे stretch करना है, जो हमारी जो middle वाली finger होगी ना, वो क्या करेगी, magnetic field होगी और ये direction of current होगा. तो जो thumb जो होगा ना, वो क्या दिखाता है हमको, फोर्स ऑफ द कंडक्टर. देखो, हम लोगों ने तो सिर्फ करंट चालू किया, हम लोगों ने देखा कि करंट में मैग्नेटिक फील्ड आता है, लेकिन वी हैव सीन ये रूल क्या बताता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बनाता है, थंब के डायरेक्शन में हमको एक पर्टिकुलर फोर्स भी दिखता है. क्यों? क्योंकि अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट की वजह से, तो देर हैज़ टू बी सम अपोजिट फोर्स, है ना. न्यूटन का थर्ड लॉ कि एक फोर्स को नलीफाई करने के लिए दूसरा फोर्स होना चाहिए. तो ये क्या होता है, एक मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो दैट्स की फॉर आर इलेक्ट्रिक डीसी मोटर आल्सो, कि ये फोर्स की हमको ज़रूरत है डीसी मोटर के को रोटेट करने के लिए. जब वो मूव करेगी, रोटेट करेगी, तो हमारे पंखा और सारे मोटर जो है वो चल पड़ेंगे. जैसे पंखा है, जैसे हमारी वॉशिंग मशीन है या फिर मिक्सर है, ये लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं ना, इसके अंदर की जो मोटर होती है वो गोल गोल घूमना शुरू करती है, और जिसकी वजह से हमारे डिवाइसेस भी घूमना शुरू करते हैं और वर्किंग उसी बेस पर होता है. ओके, सो दिस इज़ एक्चुअली माय इलेक्ट्रिक मोटर. तो इलेक्ट्रिक मोटर में होता क्या क्या है, तो अब इलेक्ट्रिक मोटर में क्या करते हैं, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, मैग्नेट रखा है हम लोगों ने. ओके, अब उसके बाद ये है जो हमारी वायर है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है यहाँ से. अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. अब ये वायर जो है ना, इसको हम लोगों ने एक तरह से ऐसा ये पर्टिकुलर शेप में रखा है. हाँ, तो क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अभी देखेंगे. तो इसका नाम हम लोगों ने रखा है आर्मेचर. ओके, फिर ये कम्यूटर सेगमेंट है, ठीक है, ये गोल गोल दिखने वाला दिख रहा है ना, तो इसके अंदर हम लोगों ने इसको एक तरह का कंडक्टर है जो इस वायर को पकड़ के रखेगा. ठीक है, और फिर ये दो दिख रहे हैं ये काले काले, इसको ब्रशेस बोलते हैं. इसका भी क्या यूज़ होगा, वो भी हम लोग देखने जाने वाले हैं. ठीक है, तो बेसिकली मेरे इलेक्ट्रिक मोटर में ये सब चीज़ें पाई जाएगी. ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या करती हूँ, इस सेल को ऑन करती हूँ, तो मेरा करंट कैसे हो गया, ये डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दिया. ठीक है, ये डायरेक्शन में फ्लो कर लिया. ओके, अब ये साइड को मैंने नाम दिया है ए बी और इस साइड को नाम दिया है सी डी. ठीक है, अब देखो, कोई भी चीज़ हो, अगर उसको हम लोग को मूव करना है ना, घुमाना है, तो हमको कैसा प्रेशर देना पड़ेगा, ऐसा.
जब हम ऐसा प्रेशर देंगे ना तो ही कोई चीज़ क्या होगी, रोटेट करती रहेगी। ऐसा नहीं देंगे, अगर कोशिश करेंगे तो रोटेट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब हमारी इस कॉइल को भी रोटेट करने के लिए हमको क्या चाहिए था, हमको दो साइड में एक तो अपवर्ड फोर्स चाहिए और एक मुझे डाउनवर्ड फोर्स चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इस वायर को इस तरह से शेप दिया। अब मेरा थंब रूल क्या बोलता है, मेरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, क्योंकि ये दोनों मैग्नेट है तो ये मैग्नेट के अंदर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये मेरी डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, मैंने जैसे सेल चालू किया ना इधर, तो क्या हुआ, करंट ऐसे चलने लगा। तो अगर ये मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, वाइट कलर में दिख रहा है आपको, तो ऑब्वियसली मैकेनिकल फोर्स कैसा होगा, इस तरह से ऊपर की तरफ है ना, ये वाली साइड में। और यही सेम थंब रूल जब हम लोग अपोजिट साइड में लगाते हैं, दैट मींस इस साइड में, तो क्या होगा, मेरा फोर्स किधर जाएगा, डाउनवर्ड साइड में जाएगा, है ना, किस साइड में जाएगा मेरा फोर्स, डाउनवर्ड साइड में जाएगा। ओके, तो जैसे ही मुझे फोर्स मिला, जैसे मैंने करंट चालू किया, तो क्या हुआ, फोर्स इस साइड से अपवर्ड, इस साइड से डाउनवर्ड की तरफ चला बिकॉज ऑफ माय रूल। ओके, अब जब जैसे ही ये दोनों को फोर्स मिला तो क्या हो गया, मेरी कॉइल मूव करना शुरू कर दी, है ना, मूव करेगी क्योंकि उसको मिल गया है ना। तो जैसे ही किया तो क्या हो गया, मेरी कॉइल मूव करना शुरू हो गई बिकॉज ऑफ दिस टू फोर्स। ठीक है, अब मूव तो करना शुरू हो गई, लेकिन क्या होगा, ए बी क्या हो गया, सी डी की जगह पे चला गया और सी डी अब ए बी की जगह पे चला गया। ठीक है, अब डायरेक्शन तो चेंज हो गई इसकी, डायरेक्शन चेंज होने के बाद में क्या ये दोनों फोर्स सेम जगह पर रहेंगे, नहीं रहेंगे ना, इनके दोनों के फोर्स सेम जगह नहीं रहेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे दोनों के फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज करना है ना। अभी वापस जब ये ए बी इधर गया सी डी की जगह पर, सी डी इधर आया ए बी की जगह पर, अब मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड चेंज। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या किया, आई एम चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्यों, या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करूँ, या फिर मैं इलेक्ट्रिक, या तो फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज़ करंट का डायरेक्शन चेंज करूँ। तो अब यहाँ पर काम आते हैं मेरे ये ब्रशेस। तो क्या होता है, जब ये कॉइल जब मूव करती है ना, तो ये ब्रशेस क्या करते हैं, मुझे जैसे ही कॉन्टैक्ट छोड़ देते हैं, और कॉन्टैक्ट छोड़ देने की वजह से क्या होता है, इसको मेरा करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, और इस तरह से मेरे कॉइल में क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड रूल वापस अप्लाई करते हैं हम लोग, और मेरी कॉइल कंटिन्यूस क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देती है। ये तो इस तरह से इस कम्यूटेटर की और ब्रश की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये कम्यूटेटर और ये ब्रश जो रहता है, ये मैकेनिक क्या करता है, करंट को डायरेक्शन चेंज करने पे मजबूर कर देता है, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हमारी कॉइल मूव करते हुए दिखती है। जो हम लोगों ने देखे उसमें क्या थी, एक कॉइल थी। ठीक है, अब अगर हमको स्पीड बढ़ानी है हमारी मोटर की, तो हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे इसमें क्या करते हैं, हम लोग ये आर्मेचर और ये बहुत सारी वायर डाल देते हैं, तो जिसकी वजह से क्या करती है, ये स्पीड बढ़ जाती है और उतना ज़्यादा वो आउटपुट देती है, उतने बार क्या करेगी, घूमेगी, मूव करेगी, है ना। या तो मैं बहुत सारी वायर्स इसमें लगा दूँ, या फिर बहुत सारी मैग्नेट्स लगा दूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वायर्स इसमें अटैच करते हैं। इसीलिए जब हम लोग देखते हैं एक्चुअली मोटर जो रियल लाइफ में दिखती है वो इस तरह से होती है, और बहुत सारी वायर्स लगी हुई होती है वहाँ पर, है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस इलेक्ट्रिक मोटर। थैंक यू।